आज 1 अप्रैल से कई सारे नियम बदल गए हैं। बता दें कि 31 मार्च फास्टैग KYC की आखिरी तारीख थी। आज से बिना KYC के फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे। आज से LPG गैस सिलेंडर की कीमत कम होगी। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपये तक घंटे। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल को लेकर अब केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बदलाव किए गए जिससे आम जनता को कुछ राहत मिलती नज़र आएगी। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से LPG सिलेंडर की, तो LPG सिलेंडर को लेकर भी अब सरकार की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर बात करें कमर्शियल सिलेंडर की, तो कमर्शियल सिलेंडर पर 32 रुपये की राहत जो है वो दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से घरेलू सिलेंडर की, तो LPG घरेलू सिलेंडर पर कोई भी राहत जो है वो नहीं दी गई है। मगर यहाँ पर बात करें फास्टैग को लेकर, KYC कराने को लेकर जिस तरीके से सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जिन लोगों ने फास्टैग को लेकर KYC नहीं कराया है उनके लिए भी कुछ 31 मार्च तक का समय दिया गया था, मगर अब 31 मार्च का समय खत्म हो चुका है और जिन लोगों ने फास्टैग को KYC से नहीं लिंक कराया उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है क्योंकि उनका फास्टैग जो है वो कैंसिल हो चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब कैसे राहत दी जा रही है सरकार के द्वारा, और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब बड़े बदलाव किए गए हैं बजट के अंदर भी कहीं ना कहीं राहत दी गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की, जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत जरूर दी गई थी 31 मार्च तक, मगर वो राहत सीमा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मगर अब 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से 1,000 रुपये का जुर्माना जो है इस पर लागू किया गया है। मगर देखना होगा इस राहत से कितनी जनता को राहत मिल पाएगी और सरकार के द्वारा जो 1 अप्रैल से नियम बनाए गए हैं उसके अंदर क्या वाकई में ही कुछ आम जनता को राहत मिलेगी या फिर सिर्फ घोषणाएं ही देखने को मिले।